स्पुटनिक वैक्सीन कितना कारगर है इसके बारे में बात करेंगे। अभी अभी हमारे देश में रशिया से आया हुआ या रशिया ने निर्माण किया हुआ स्पुटनिक वैक्सीन अभी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ अभी आया हुआ है, उसकी सेकंड बैच भी आ गई। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ साथ पांच और कंपनियां हैं कि जिनके साथ साथ ये स्पुटनिक वैक्सीन तैयार करने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। तो स्पुटनिक वैक्सीन कितना कारगर, इसके पहले देखते हैं कि इसके पहले दो वैक्सीन हम जो इस्तेमाल कर चुके हैं वो क्या है, वो कितने कारगर है। एक है कोविशील्ड। कोविशील्ड वैक्सीन सबसे पहले उसकी रिपोर्ट आई थी, सब टेस्ट रिपोर्ट्स उसकी आ चुकी थी, इसलिए सब लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने ये कहा कि ये देना चाहिए। और पहली बार जब वो देना चालू किया हमारे देश में तो हमने कोविशील्ड देना चालू किया क्योंकि उसकी टेस्ट रिपोर्ट सब आ चुकी थी। और कोविशील्ड ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी इन्होंने मिलकर बनाई हुई है, और इसका भारत का जो पेटेंट है वो सीरम इंस्टीट्यूट ने लिया हुआ है, भारत में सीरम इंस्टीट्यूट तैयार कर रही है। तो कोविशील्ड के टेस्ट रिपोर्ट अच्छे थे, जल्दी आए थे, तो पहली बैच जो थी मतलब डॉक्टर्स लोग, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनको कोविशील्ड दिया गया। शुरू में ऐसा बोला था कि ये 28 दिन के बाद में सेकंड डोज लेने का है, बाद में क्या हो गया कि काफ़ी सारा स्केयरसिटी आ गई, माल नहीं है, वैक्सीन्स नहीं है, तो ऐसा लोगों का कहना है कि इसलिए उसका अंतर बढ़ाया गया कि भाई 42 दिन के बाद में सेकंड डोज लो, और अभी जो है वो 84 डेज, 84 दिन के बाद में सेकंड डोज दिया जाता है। अभी ऐसा भी एक व्यू है कि जितना ज़्यादा दिन के बाद में आप सेकंड डोज लेंगे उतना ज़्यादा वो अच्छा कारगर रहेगा, मतलब जितना लंबा पीरियड है सेकंड डोज का उतना। तो ये कोविशील्ड का, कोविशील्ड ऐसा अलग अलग रिपोर्ट्स है, कुछ रिपोर्ट बोलते कि 76% कारगर है, कुछ रिपोर्ट बोलते 90% कारगर है। और कोविशील्ड में दोनों वैक्सीन के डोज सेम है, मतलब वही वैक्सीन दोबारा दिया गया है सेकंड टाइम। अभी करीब करीब 60 देशों से ज़्यादा देशों में कोविशील्ड अभी दिया जा रहा है, और हमको काफ़ी एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर्स भी थे और हमने काफ़ी देशों को ये सप्लाई भी किया था मार्च महीने में। मगर जब कोरोना के केसेस बहुत बढ़ना चालू हो गया तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत टिका टिप्पणी हो गई और फिर गवर्नमेंट ने बाहर भेजना बंद कर दिया। अब दूसरा वैक्सीन जो है वो कोवैक्सीन है, भारत बायोटेक ने बनाया हुआ है, और ऐसा कहा जाता है कि ये 90% कारगर है। इससे करीब करीब 70 करोड़ डोज ये कोवैक्सीन के भारत बायोटेक बना रहा है, और ये बाहर देशों ने भी मंगा हुआ है, ये बाहर भी भेजा जाएगा। तो कोवैक्सीन का इफेक्ट करीब करीब 90% ऐसा माना जाता है। अब बात आ गई स्पुटनिक की। स्पुटनिक 92% कारगर है, ऐसे स्टडीज रिपोर्ट बताते हैं, 92%, और उसका काफ़ी बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग होगा और लोगों को उपलब्ध होगा। स्पुटनिक ने ऐसा माना गया है कि स्पुटनिक का डोज 21 दिन के बाद में लो, और उसके दो वैक्सीन के जो डोज है दोनों अलग अलग है। और अभी फॉर्चुनेटली मतलब एक बात यह है कि जो खरीद सकते हैं तो वो खरीद लेंगे और अपना टीका फटाफट करवा लेंगे प्राइवेट में भी। उसका अंदाजन कीमत जो है 1,000-1,100 रुपये होगा ऐसा बोला जाता है, और वो लोगों को यदि प्राइवेटली इस्तेमाल करने के लिए बोला या खरीदने के लिए बोला तो और वैक्सीनेशन फटाफट हो जाएगा। तो ये तीनों वैक्सीन है, तीनों वैक्सीन के अलावा अभी काफ़ी अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग नाम से वैक्सीन ला रही है, उसके टेस्ट रिपोर्ट्स चालू हुए रिपोर्ट्स आए नहीं है। वैसे नाक से लेने वाली भी दवा उपलब्ध है, नाक से स्प्रे मारेंगे और नाक से देंगे तो वो भी उपलब्ध अभी हो जाएंगी। और ये वैक्सीन देते हैं तो ये वैक्सीन क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं, बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। तो कोरोना जब बॉडी में आता है तो उसके पहले अस्त्र शस्त्र लेके हमारे लोग तैयार है, जैसे ही कोरोना आ गया तो उसको हमारे बॉडी के ऊपर असर नहीं करने देते और एंटीबॉडीज तैयार करके हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये वैक्सीनेशन करना जरूरी है। इतना पक्का है कि वैक्सीनेशन के बाद में कोरोना होगा नहीं होगा मालूम नहीं, चांसेस ज़्यादा है कि होगा नहीं कोरोना, मगर होता है तो आपको डेफिनेटली ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर जाने की जरूरत है नहीं। थैंक यू वेरी मच।